हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारी हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है तो उसमें से डाटा कैसे रिकवर करेंगे या उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये एक डब्ल्यूडी की हार्ड डिस्क है, इसकी जो ये साटा केबल कनेक्टर है उसकी पिनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं और इसकी ग्रिप भी टूट गई है, जिसकी वजह से इसको हम कंप्यूटर में अटैच नहीं कर पा रहे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस प्रॉब्लम का सलूशन है इस कार्ड को रिप्लेस करना, यानी इस कार्ड को रिप्लेस करके हम इसमें से डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कार्ड को कैसे रिप्लेस करना है और इसकी जगह कौन सा कार्ड लगाना है। तो ये जो पिन टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, ये इसका कवर टूट गया है, ये रिपेयर तो हो नहीं सकता। तो इसमें से डाटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उस पूरे कार्ड को रिप्लेस करेंगे, मतलब एक ओके हार्ड डिस्क का सेम जीबी का कार्ड लेके उस कार्ड को इस कार्ड की जगह लगाएंगे और अपना डाटा इस हार्ड डिस्क में से निकालेंगे। तो चलिए एक ओके हार्ड डिस्क का कार्ड निकाल के, दोस्तों ये एक हार्ड डिस्क का जो ओके है उसका कार्ड एकदम सेम है और सेम कंपनी की है, ये भी WD है, ये भी WD है। तो इस कार्ड को इस कार्ड की जगह लगा के हम इसका डेटा निकाल सकते हैं। चलिए पहले कार्ड खोलते हैं ओके वाला। ये स्क्रू काफ़ी टाइट होते हैं, इनको खोलना वाला तो मुश्किल होता है लेकिन खुल जाते हैं। इसको जरा साफ कर लेंगे। अब इस कार्ड को, क्योंकि ये ओके है, इसको इस कार्ड की जगह लगाना है, तो इसको भी खोलेंगे पहले। ये आप देख रहे होंगे ये पिनें टेढ़ी मेढ़ी हैं और इसका जो कवर होता है ना वो टूट गया, इसकी वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पा रही और डेटा हमारा रिट्रीव नहीं हो पा रहा। तो ये कार्ड ओके है, आप देख रहे हैं इसकी जो पिनें भी सीधी हैं और ये जो इसका कवर है वो भी लगा हुआ है। तो इसको इस पर लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो ओके कार्ड था हमने इस पर लगा दिया, अब हम इसको कंप्यूटर में लगा के इसमें से हमने डाटा निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से हम ये कार्ड रिप्लेस करके एक ख़राब हार्ड डिस्क में से अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं आसानी से। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो कार्ड है बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों कार्ड एकदम सेम है, दोनों हार्ड डिस्क जरूरी की हैं, यानी कि सेम कंपनी की है तो कार्ड भी सेम होगा। अगर कार्ड सेम होगा तभी इस पर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये हार्ड डिस्क हमारी रिपेयर हो गई जो कि डेड थी, किसी काम की नहीं थी, इसका हमने कार्ड रिप्लेस कर दिया, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।